सब्सक्राइब कीजिए बीटेक चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को ताकि आप पा सकें लेटेस्ट टेक वीडियोस सबसे पहले। हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बीटेक पर। मैं हूं बी और आज शुरू करते हैं हम अपनी लेटेस्ट टेक न्यूज और टेक अपडेट्स के साथ। सो लेट्स चेक इट आउट। सैमसंग ने अपने नए कैमरा सेंसर्स निकाले हैं। अपने पर्सनल पहले वो दूसरी कंपनी के कैमरा सेंसर्स यूज़ करते थे और ये कैमरा सेंसर्स एक 12 मेगापिक्सल का है, 24 मेगापिक्सल का है और दोनों ही डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं। मतलब जैसे कि S7 से हमें मिला था कि हम कोई भी चीज़ पर फास्ट ऑटो फोकस कर सकते थे क्योंकि डुअल पिक्सल थे उसमें, वैसा ही हमें कुछ सैमसंग के फ़ोन्स में मिलेगा अब और सैमसंग ने एक कैमरा सेंसर निकाला है। अगली न्यूज़ की तरफ चलें तो हुआवे की तरफ से आ रही है। हुआवे का ओनर 7X लॉन्च हो गया है और आजकल जैसे कि आप देख रहे हो 18:9 की डिस्प्ले का ट्रेंड चल रहा है, तो वो जो है इस फ़ोन में भी आया है। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमें फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है इस तरह से। और अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर प्रोसेसर है किरिन 659 जिसके अंदर 8 कोर्टेक्स A53 चिपसेट है और इसके GPU की बात करें तो माली T830 GPU है। रैम इसके अंदर 4 GB मिलेगी और स्टोरेज के हमें 32 से लेकर 128 GB तक अलग अलग वेरिएंट्स मिलेंगे। और इसमें हम हाइब्रिड माइक्रो SD कार्ड भी लगा सकते हैं क्योंकि इसके अंदर हाइब्रिड स्लॉट है। इसके अंदर में एंड्रॉयड नोगट मिलेगा। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये अभी तो खैर चाइना में लॉन्च हुआ है, इंडिया में आएगा नहीं आएगा इसका नहीं पता। चाइना के रेट के अकॉर्डिंग अगर हम चाइनीज़ रेट को इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें तो 32 GB वाला फ़ोन कॉस्ट होगा 13,000 रुपीज़ का। जी हाँ, 13,000 का अगर इंडिया में आ जाता है तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा रहेगा और इंडियन मार्केट में बजट के अंदर काफ़ी अच्छा ये फ़ोन चल सकता है। और 64 GB वाला है 17,000 का और 128 GB वाला है 20,000 का अगर हम चाइनीज़ को इंडियन रुपये में कन्वर्ट करें, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो प्राइसिंग तो ठीक है, हालांकि मुझे 128 वाले की प्राइसिंग काफ़ी ज़्यादा लग रही है। 20,000 में हमारे और अच्छी अच्छी ब्रांड्स मिल जाती हैं जाने के लिए। पर खैर जो भी है, ये हमें फीचर्स मिलते हैं और मेरे अकॉर्डिंग अगर ये इंडिया में आता है तो 32 GB वाला वेरिएंट काफ़ी इसका चलने वाला है। अगली न्यूज़ की बात करें तो YouTube की, जो आपको मैंने पहली न्यूज़ में बताया था, काफ़ी दिनों पहले की न्यूज़ है वो, कि YouTube में हम कर्सर को किसी भी वीडियो पे ले जाते थे तो वो ऑटो प्ले हो जाती थी, वैसा ही कुछ अब Android में आ रहा है। Android में जो भी आपको वीडियो दिख रही है वो ऑटो प्ले हो जाएगी और आपको पता लगेगा कि उसके अंदर वीडियो क्या है। उसकी एक 2-3 सेकंड की क्लिप होगी जिसमें आपको वीडियो की एक झलक दिखाई देगी। अब ये भी टेस्टिंग में, तो थोड़े बहुत आपको बग्स भी दिख सकते हैं और हो सकता है आपके फ़ोन में भी आई भी ना हो। मैंने अपने फ़ोन में टेस्ट किया था, अभी तक मेरे फ़ोन में या फिर इंडिया में में भी ना आई हो। US में स्टार्ट हो गया है थोड़े थोड़े डिवाइसेस में आना, तो देखते हैं। ये फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि इससे जो क्लिक बेट था वो कम होगा। जो यूट्यूब पर लोग टाइटल कुछ डाल देते थे और वीडियो के अंदर कुछ भी नहीं होता था, तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो OnePlus की तरफ से आ रही है। OnePlus का स्कैम कहे या फेक न्यूज़ करे या जो भी है वो निकल के आ रहा है। तो जैसा कि इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग OnePlus 2 जो डिवाइस है, कुछ डिवाइसेस पकड़े गए हैं जो कि यूज़र की सारी डिटेल्स सर्वर पर भेज रहे थे, वो भी विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन इन्फॉर्मेशन लेना गलत है और ये इलीगल भी है। अब ये न्यूज़ फेक भी हो सकती है पर ट्रू भी हो सकती है। एक दो पर्सन ने अपने फ़ोन के अंदर चेक कराया है तो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है साइट पर जा रही थी विदाउट परमिशन, और हो सकता है न्यूज़ फेक भी हो क्योंकि कई बार ऐसी एक दो फेक न्यूज़ पहले भी आ चुकी है। तो आगे देखते हैं कि न्यूज़ का क्या है, OnePlus का क्या रिप्लाई आता है इस न्यूज़ के ऊपर और बाकी सब कुछ वो तो आगे ही पता लगेगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो Samsung Tab A इंडिया में लॉन्च हो गया है और इसका प्राइस 18,000 रुपीज़ है। इसके अगर फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है 1.4 GHz पे और 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज है। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले है 8 इंच की। इसके अंदर बैटरी मिलती है हमें 5000 mAh और इसके अंदर कैमरा की बात करें तो पीछे की तरफ है 8 MP कैमरा और आगे की तरफ है 5 MP कैमरा। तो ओवरऑल ठीक है और प्राइसिंग सैमसंग के अकॉर्डिंग ठीक है। हालांकि MI जैसी प्राइसिंग हमें काफ़ी अच्छी प्राइसिंग तो नहीं मिलती, पर मेरे अकॉर्डिंग सैमसंग यही सब देता है और सैमसंग के अकॉर्डिंग प्राइसिंग ठीक है। अगर आपको इसके अलावा और ऑप्शन चाहिए तो अभी खैर मार्केट में टैब के और ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, सैमसंग का है या फिर आपको MI पैड का जनरेशन 1 लेना होगा क्योंकि सेकेंड जनरेशन तो इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ। तो अगर आप टैब लेने की सोच रहे हो तो चॉइसिस ही कम है इंडियन मार्केट में। खैर अगली न्यूज़ की बात करें तो ये कल मुझे देनी चाहिए थी पर मैं आज दे रहा हूँ। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग Xiaomi का MI Mix 2 इंडिया में लॉन्च हो गया है। कल 12 बजे लॉन्च था कल दिल्ली में और उस लॉन्च में इसका प्राइस 36,000 रुपीज़ है। मेरे को उम्मीद थी 33-34 के आसपास आएगा पर इन्होंने 36 निकाला क्योंकि बेजलेस डिज़ाइन मिलता है और सिरेमिक बॉडी है तो वो थोड़ा हाई कॉस्ट करता है। और मेरे अकॉर्डिंग
पर्सन इंडिया में वन प्लस को ज़्यादा कंसिडर करेंगे इससे, जहाँ कि मैंने आसपास बंदों से पता करा कि एम आई मिक्स 2 अच्छा है या फिर वन प्लस, तो उन्होंने वन प्लस 5 ही ज़्यादा बंदों ने कहा, पर जिनको बिल्कुल बेजलेस का कीड़ा है या फिर बेजलेस डिस्प्ले ही ज़्यादा पसंद है उनकी तरफ ही जाना है, तो वो एम आई मिक्स 2 का नाम ले रहे थे, क्योंकि इसमें काफ़ी सीमलेस डिज़ाइन मिलता है और काफ़ी अच्छा सिरेमिक यूनिबॉडी मिलती है हमें। अगली न्यूज़ की बात करें तो ये काफ़ी जल्दी न्यूज़ आ रही है, जैसे कि आप सभी जानते हैं नोट 8 अभी अभी इंडिया में लॉन्च हुआ था, इसी महीने की बात है, पिछले महीने की बात है, और अभी से नोट 9 की न्यूज़ आ गई है, और ये न्यूज़ नहीं है एक्चुअली, ये तो पता ही था, नोट 9 के अंदर हमें स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा। जैसे कि आप जानते हो इस साल हमें उम्मीद थी या फिर आईफोन एक्स में या फिर नोट 8 में फिंगरप्रिंट सेंसर आएगा स्क्रीन के अंदर, पर वो नहीं आ पाया था क्योंकि वो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है, और अगले साल पूरी पूरी एक्सपेक्टेशन है कि S9 में या फिर नोट 9 में ये स्क्रीन के अंदर फिंगरप्रिंट सेंसर ज़रूर आएगा। अगली न्यूज़ की बात करें तो वन प्लस की तरफ से आ रही है, और वन प्लस 5 के जो है स्टॉक्स लो होने का चालू हो गया, आउट ऑफ स्टॉक होना चालू हो गया, और इससे एक इंडिकेशन ये आती है कि वन प्लस का नया फ़ोन आ रहा है। मैंने पिछली न्यूज़ में बताया था कि वन प्लस 6 आएगा, वन प्लस 5 टी नहीं आएगा, और वन प्लस 6 अर्ली 2018 मीन्स जैन फेब या उसके अगले मंथ में आएगा, पर नहीं, अब इस लीक के अकॉर्डिंग जैसे कि हमें लीक्स मिल रही है, वन प्लस 5 टी आ रहा है और उसकी 6:18:9 की फुल विजन वाली डिस्प्ले होगी, जैसे कि हमें नए नए फ़ोन्स में मिल रही है हर फ़ोन में, तो वैसी कुछ डिस्प्ले हमें मिलेगी, पर ये एक न्यूज़ कोई कंफर्म नहीं है क्योंकि इस पिक के अकॉर्डिंग ये पिक मुझे ओप्पो वीवो किसी के स्मार्टफोन की लग रही है, ये वन प्लस का डिज़ाइन नहीं लगता या फिर वन प्लस का कुछ लग नहीं रहा है मेरे को इसमें, ये न्यूज़ फेक भी हो सकती है, ओप्पो F5 जैसा लग रहा है ये स्मार्टफोन, पर देखते हैं क्या कुछ है। वन प्लस 5T मेरे को तो वन प्लस से उम्मीद है कि 5T ना निकाले सीधा 6 निकाले, क्योंकि ऐसे वन प्लस 5 वाले यूज़र्स के साथ भी गलत हो जाता है, क्योंकि उन्होंने अभी अभी तो फ़ोन लिया और उसके बाद वन प्लस का नया फ़ोन भी अवेलेबल हो जाता है, तो कुछ महीने का गैप दे उसके बाद 6 निकाले या फिर उस हिसाब से चले जैसा कि सारे मैन्युफैक्चरर्स करते हैं, एक साल में एक ही फ्लैगशिप निकालते हैं। अगली न्यूज़ की बात करें तो Xiaomi Redmi Note 5 की हमें लीक इमेजेस निकल के आई है, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये इस तरह से हमें इमेज मिलती है, और मैं जानता हूँ कि ये मैंने पिछली बार कहा था कि ऐसा डिज़ाइन मुझे एक्सपेक्टेड है कि ना हो, पर ऐसा ही डिज़ाइन आया है, पीछे की तरफ हमें डुअल कैमरा मिलता है और फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, तो यहाँ पे पीछे की तरफ सर्कल ही सर्कल भरे हुए हैं, और आगे की तरफ हमें 18:9 की फुल स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है, और देख सकते हो आप टॉप में और नीचे बहुत बेजल कम कर दी गई है, अगर इतनी कम बेजल के साथ ये फ़ोन आ जाता है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जानते हो Redmi Note की सीरीज़ बजट के अंदर रहती है, 15,000 से नीचे नीचे रहती है, और उसके अंदर अगर ये फ़ोन आ जाता है तो इंडियन मार्केट को बहुत जल्दी कैच करने वाला है। तो दोस्तों आज की न्यूज़ के लिए इतना ही, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर करें, और हमारे चैनल से जुड़े रहे और देखते रहिए बीटेक। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।